पार्टिसिपेट करन था तो उन जो जो रीडिंग कल्चर आ उन जो को इफेक्ट नौजवान दे पवे थो या ता की दिसो ने उन चैन के आई थिंक बिल्कुल पवे थो पे एंड कुछ टाइम पहले पेरी के संग गला गला भी पे तो जने असा ते परफॉर्म था क्यों पे अगर असा पेरे फेस्टिवल जे निस्बत अज ते दिसो तो आई विटनेस के जने असा शेख अयाज दी शायरी कनु ता ये ज़हरा मेलो शेख अयाज के डेडिकेट है तो हाँ नौजवान असा सा गुआ पोइट्री गायन था दे आर किड्स दे आर यंग पीपल सो आई थिंक इट्स डिलीवरिंग इट्स वेरी वेल डिलीवरिंग सर मैं बियो ता यू पूछन चाहिंदस त इते जो का अयाज यो केरी सिंफ है जका नौजवान के वधिक अट्रैक्ट करे या वेल आई थिंक इट्स डाइवर्स जी हाँ इते सेशन थन था त हर को अयाज के पेंजे परसेप्शन सा उने के बताए तो कोने के रेवोल्यूशनरी तरह से गलाए तो कोने के रोमांटिकली गलाए तो कई जगह आम इंसान है सो आई थिंक इट्स ऑल द वे एंड इट आल्सो वेरीज के जेके बार जेके नौजवान जे ग्राउंड का अचन था आई मीन इन इन टर्म्स ऑफ देयर एजुकेशन एंड द फैमिली दे आर कमिंग फ्रॉम सो वह भी मैटर करे थी सो हाउ बिकॉज इतने बार अचन था लिटरली आई फील दे आर वेरी साउंड सो दे this when they sing the poetry with you that means they know madam sir so I think more often when I sing something romantic they love it more but all the way ya saja genres they know so taangi kehri ayaz jo perspective jo vadhik impress kar do jo taangi te sikhe bhi ache to dr fahim shanaz ka aap ki kitab jo ma insaan ke behtareen shayar hai diversity me dison ho ya tre kitab se mujhe khayal sa jo insaan jitro sai jm sir jo mashhoor expand kare to jitro वधिक एक्सपोजर आ उनके ओतरो बेन बेन ता ओपन उने हर पासा मुतरजम आ हैं नॉर्मल चलता सोना चलता है एंड आई डोंट थिंक के मा के भी मानू के जज करे चवा के यस ही शायद रेवोल्यूशनरी आ या जी बीट एनीथिंग आई थिंक इट्स वेरी वाइड थैंक यू सो मच सर